हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो पे। यदि आपका भी Realme का फोन कुछ इस तरह से लॉक हो गया है पासवर्ड पिन पैटर्न में और आप अपने Realme में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, तो चलिए कैसे Realme के फोन में लगे हुए लॉक स्क्रीन को हटाया जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, और आप यदि आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझ जाओगे तो आपका फोन Realme का अगर कोई भी मॉडल यूज करते हो तो आप घर बैठे अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना पैसा वेस्ट किए, बिना डाटा डिलीट किए और बिना कोई कंप्यूटर की मदद से। आपको करना क्या है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपने फोन को ऑफलाइन मोड में लेके जाना होगा, या तो अपने फोन में से सिम कार्ड को निकाल लें या तो इस एयरप्लेन मोड का ऑप्शन को आप ओपन कर लें, ठीक है। ये दो वर्क में से कोई एक काम आपको करना बहुत ही जरूरी है, तो हम एयरप्लेन मोड का ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। अब फिर आगे का प्रोसेस क्या होता है चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। भाई लोग, अगर आप कहीं पे भी जाओगे सर्विस सेंटर पे तो आपसे पैसा मांगेगा, लेकिन हम आपसे सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब चाहते हैं। बस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपका फोन घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा। आपको करना क्या, यहाँ पे देख सकते हो, एक बार अपने फोन को अनलॉक करने से पहले रीस्टार्ट कीजिएगा। रीस्टार्ट मोड में आप चले जाइएगा, आपका फोन रीस्टार्ट मोड में चला जाए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जैसे हम अभी कर रहे हैं। और हाँ, यदि आप कोई भी कंपनी का फोन यूज करते हो और यदि पासवर्ड कोई बच्चा लगा कर भूल जाता है या गार्जियन से लॉक लग जाता है तो अनलॉक नहीं हो पाता है, तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। तो देख सकते हो हमारा Realme का लोगो आ चुका है। अब हमें यहाँ पे करना क्या, ठीक है, आपको इस Realme के फोन में लगे हुए लॉक स्क्रीन को हटाने का एक ऐसा ट्रिक आपको मैं बताऊंगा जिससे आप घर बैठे अपने हैंडसेट को अनलॉक करना सीख जाओगे। अपने फ्रेंड को चौंका भी सकते हो कि कैसे फोन में लगे हुए लॉक स्क्रीन को सर्विस सेंटर वाले या रिपेयरिंग दुकान वाले हटाते हैं। तो अब देख सकते हो हमारा फोन ओपन हो चुका है, यानी कि ऑन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, देख सकते हो यहाँ पे आपको एक इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे ऊपर साइड में या उधर, ठीक है। तो आपको इमरजेंसी कॉल का पेज को ओपन करना होगा, डायल पैड को ओपन करना होगा। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, FRP अनलॉकिंग कोड। तो यहाँ पे हम FRP कोड यूज करेंगे, ठीक है। इस FRP कोड से अब हमारा फोन अनलॉक होने वाला है, तो फटाफट इस कोड को आप डायल कीजिएगा। डायल कर लेने के बाद इस कोड को हमें कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें एक्टिवेट करेंगे, तो कॉल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा। तो हमें कंटिन्यू 3 टाइम यहाँ पे कॉल करना है, 2, 3, एंड देन इस कोड को हमें हटा लेना है, एंड देन फिर से हमें यहाँ पे कोड डायल करना, ठीक है। ध्यान से इस कोड को डायल कीजिएगा, इस कोड को डायल कीजिएगा, और ये आपका कोड है डाटा रिकवर कोड। आपके फोन में इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, अनदर एप्लीकेशन जो भी होगा सारा का सारा ये रिकवर कर देगा। अब बस इस कोड को भी ओके करना है, कॉपी करके एक्टिवेट करना 2 टाइम, 1, 2, इस कोड को हटा लेना, एंड देन फिर होम बटन को क्लिक करके फिर से हम लॉक स्क्रीन पेज पे आएंगे, इमरजेंसी कॉल का पेज ओपन करेंगे, डायल पैड को ओपन करेंगे, *#899# ये कोड को डायल करेंगे, हम आ जाएंगे आफ्टर सेल पेज पे या फिर इंजीनियर मोड के फाइल पे। अब आपको करना क्या है, हमें यहाँ पे बहुत तरह का ऑप्शन हो रहा, बट हमें वही ऑप्शन यूज करना है जिससे हमारा हैंडसेट अनलॉक हो सके। तो हमारा मैनुअल टेस्ट ऑप्शन को ओपन करना है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पे जाएंगे, की स्टेटस को देखेंगे, हमारे फोन में पिन पैटर्न पासवर्ड फिंगरप्रिंट फेस लॉक ऐप लॉक अनदर एप्लीकेशन जो भी लॉक होगा जीमेल लॉक सारा का सारा यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। बैक करेंगे, रीड दैट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे कोड डायल करना है, सबसे पहले *## लगा देना है यहाँ पे, 2, 6, 4, 1, 7, 5, एंड देन यहाँ पे *#, ठीक है, और *#, यहाँ पे हम नहीं होगा ये इतना ही है, ओके कर देंगे, ठीक है। ओके कर देने के बाद फिर होम बटन को क्लिक करेंगे, फिर से हम लॉक स्क्रीन पेज पे आएंगे, फिर से इमरजेंसी कॉल का पेज को ओपन करेंगे। इमरजेंसी कॉल का पेज को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे डायल पैड को ओपन करना है, डायल पैड को ओपन करने के बाद हमें वही कोड यूज करना है जिससे हमारा फोन अनलॉक हो सके, ठीक है। तो वो कोड को अनलॉक करने से पहले 2 बार आपको होम बटन को क्लिक करना है, फिर से इमरजेंसी कॉल को ओपन करना है, कट करके फिर से इमरजेंसी कॉल पे ओपन करना है। अब यहाँ पे डायल पैड को ओपन करेंगे, डायल पैड को ओपन करने के बाद बस वही कोड हमें अब यूज करना है। तो चलिए कोड को यूज करते हैं, *#2, 6,
41755 हैज। ठीक है, यही कोड था। अब यहाँ पे इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे, कॉल कट कॉपी शेयर थ्री डॉट का ऑप्शन आएगा, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, मैसेज का ऑप्शन को ओपन करना है, मैसेज का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका मैसेज बॉक्स ओपन होगा, फिर आपको होम बटन को क्लिक कर देना है, आपका रियलमी का फोन घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।